सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रूही ग्रोवर ते हुण अज दीआं सुर्खियां। यूक्रेन दीआं सरहदां ते रूसी सैनिकां दी तैनाती ते उस ते रूस दे हमले दे खदशे दे विचकार राजधानी कीव स्थित भारतीय दूतावास ने मंगलवार नूं अपने नागरिकां विशेष तौर ते विद्यार्थियों नूं देश दी मौजूदा स्थिति ते अनिश्चितता दा हवाला दिंदे होए अस्थाई रूप तों देश छड्डण लई कहा है। भारतीय दूतावास ने एक सलाह जारी करके सारे नागरिकां नूं यूक्रेन ते देश दे अंदर दीआं सारीआं गैर जरूरी यात्रावां तों बचण दी वी सलाह दित्ती है। पंजाब विच 20 फरवरी नूं विधानसभा चोणां होण जा रहीआं ने। आम आदमी पार्टी दे नैशनल कन्वीनर ते दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विच डेरे ला ले ने ते इत्थे ओह चोण प्रचार करनगे। इस दौरान एक पत्रकार रमनदीप सिंह सोढी ने चोणां नूं लै के उहनां नाल गल्लबात कीती तां केजरीवाल ने दावा करदे होए कहा कि आम आदमी पार्टी नूं हराउण लई सारीआं पार्टीआं आपस च मिल गईआं हन, पर असीं बहुमत नाल सरकार बणावांगे। पिछले दिनी सरकारी कॉलेज तो शुरू होया हिजाब विवाद रुकन दा नां नहीं लै रहा। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना खेतर विच स्थित डीएस डिग्री कॉलेज के कुछ विद्यार्थियों ने क्लास के अंदर भगवा पहरावा पाके हिजाब पहनने के विरोध विच कॉलेज प्रोक्टर नूं मंग पत्र सौंपिया है। विद्यार्थियों का कहना है कि जेड़े कहिंदे हन कि साडियां भैणां ते धीआं की पहनणगियां असीं तय करांगे, असीं उहनां लोकां नूं खुली चेतावनी दिंदे हां कि इह देश शरीयत नाल नहीं संविधान नाल चलेगा। जेकर विद्यार्थियां हिजाब पाके कॉलेज कैंपस विच आउणगियां तां असीं भगवा पहन के कॉलेज कैंपस दाखल होवांगे। किसानां ने वादा खिलाफी का दोष लाउंदे होए अज इलाके दीआं तीन वख-वख थावां ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूक के रोस प्रदर्शन किया। आजाद किसान कमेटी दुआबा वालों ब्लॉक प्रधान दिलबाग सिंह गिल शहबाजपुर की अगवाई हेठ सरकारी अस्पताल चौंक टांडा विखे किए रोस विखावे दौरान मोदी की पंजाब फेरी का विरोध किया गया। पंजाब चोणां तो पहला कांग्रेस के साबका प्रधान राहुल गांधी ने मंगलवार को पटियाला विच रैली की। इस दौरान उन्हें आप श्रोमणी अकाली दल बीजेपी उत्ते खुल के शब्दी वार किए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं झूठे वादे नहीं करांगा, जेकर तुसी लोग झूठे वादे सुनना चाहते हो तो मोदी जी, बादल जी ते केजरीवाल जी नूं सुनो, मैनूं सच बोलना सिखाया गया है। विधानसभा चोणां दे मद्देनज़र वख-वख पार्टियां दे सियासी आगुआं वल्लों धार्मिक संस्थावां ते नतमस्तक होण दा सिलसिला लगातार जारी है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने मंगलवार को मैनीफेस्टो जारी कर दिया कहा कि यह अगले 5 साल लिए पार्टी का विजन है। पंजाब विधानसभा चोणां 2022 लिए श्रोमणी अकाली दल बसपा गठजोड़ का चोन मनोरथ पत्र जारी हो गया है। चंडीगढ़ विखे आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने यह चोन मैनीफेस्टो जारी किया। सुखबीर सिंह बादल ने मंगलवार को मैनीफेस्टो जारी करदिया कहा कि यह अगले 5 साल लिए पार्टी का विजन है। मुख्य एजेंडा सरकारी स्कूलों ते अस्पतालों नूं वधाउणा होवेगा। ज़िला मैजिस्ट्रेट ईशा कालिया वल्लों ज़िला मोहाली की हदूद अंदर 18 फरवरी को शाम 6 बजे तो बाद जनतक मीटिंगा गैर कानूनी इकट्ठ ते लाउड स्पीकर की वरतों आदि ते मुकम्मल पाबंदी लाई गई है। ये हुक्म 18 फरवरी शाम 6 बजे तो 21 फरवरी शाम 6 बजे तक लागू रहेंगे। ईशा कालिया ने दसिया कि पंजाब विधानसभा चोणां 20 फरवरी को होनिया तय हुई हैं। भारत ते संयुक्त अरब अमीरात UAE विचाले 18 फरवरी नूं मुक्त व्यापार समझौते ते दस्तखत किए जाने की संभावना है। इस समझौते तहत दोवें देश वख-वख खेतरां दे कई उत्पादों ते ड्यूटी मुक्त पहुंच प्रदान कर सकते हैं। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने रूस को यूक्रेन से हमला करने की स्थिति में गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। इस मुद्दे के कूटनीतिक हल से जोर दिता है। वाइट हाउस की प्रधान उप प्रेस सकत्तर कैरी जीन पियरे ने पत्रकारों नाल गलबात करदिया कहा कि असी संकट को घट करने लिए एक राजनीतिक हल तक पहुंचने की दिशा में सरगर्म रूप में काम कर रहे हैं। हफ्ते के अखीर में बाइडन ने राष्ट्रपति पुतिन नाल गल की ते कहा कि असी अपने सहयोगियों ते हिस्सेदारों नाल पूरे तालमेल नाल रूस की सरकार नाल जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जेकर रूस इस मुद्दे ते रचनात्मक रुख का विकल्प चुनता है तो कूटनीति का रस्ता उपलब्ध है। ऐसी साडा हुण तक दा पंजाबी खबरां दा बुलेटिन। हुण मैनूं दिओ इजाजत, सत श्री अकाल।